एंड हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। एंड आज का जो वीडियो मेरा होने वाला है वो मैं अपनी अपाची आरटीआर का जो टायर है वो मैं एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहा हूँ। एंड गाइज, ये पूरी तरीके से घिस के अभी ख़त्म हो चुका है और ये जो बीच का भाग है ये पूरी तरीके से गंजा हो चुका है। और जो मैं आज टायर डलवाने वाला हूँ इसी कंपनी का डलवाऊंगा, आने की TVS अपाची का जो टायर लगा हुआ है कंपनी की तरफ से रेमोरा का, यही टायर लगाऊंगा। एंड बीच का जो गोटी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लगता है। और चैनल पे न्यू जुड़े हो तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी बाइक कितनी चली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बाइक 27,920 किलोमीटर चली हुई है, यानी कि 80 किलोमीटर कम और लगभग 28,000 तक चल चुकी है। एंड आज के वीडियो में ये टायर डलवाऊँगा, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए बाइक वर्कशॉप में मिलता हूँ। एंड गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ टायर शॉप पे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ही बाइक का टायर को देख लिया था जो कि मुझे लगवाना था वही कंपनी का, तो दूसरा कंपनी का डिसीजन ही नहीं लिया था क्योंकि मेरे जो गोटी है वो पसंद नहीं आता है दूसरा कंपनी का। अब इसमें आपको अपोलो का आ जाता है, सीएट का आ जाता है, MRF का आ जाता है, और जो TVS रेमोरा है ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा क्योंकि दूसरा टायर डलवाने के बाद गोटी ही चेंज हो जाता है तो मज़ा नहीं आता बाइक में। जो कंपनियां देती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लगा, तो वही टायर को मैं डलवाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मेरी टायर खुल चुकी है। एंड गाइज, ये वो टायर है जो मैं अपनी बाइक में नहीं डलवाना जा रहा हूँ और ये है CE8 का टायर जो कि देख सकते हैं इसका साइज 110/80/17 है और ये मेरी बाइक में इजीली से फिट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी बेस्ट है और ये पोलो का है, प्राइस इसकी सेम है जितना कि उसका प्राइस सेम है। इसका जो गोटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगा मुझे। एंड ये जो अपोलो का टायर है ये भी इसका साइज भी वही है सेम अपोलो का, ये भी काफ़ी बेस्ट है। इसको अकॉर्डिंग ये थोड़ी महंगी है, आखिर ये इसलिए महंगी है कि जो ये टायर है ना ये थोड़ा सा हार्ड है एंड ये जो टायर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है जो कि मुड़ जाता है अच्छी तरीके से। तो ये दोनों भी टायर इसमें बोले तो ये अपोलो का टायर ही काफ़ी बेस्ट है, तो मैं लगवाने जा रहा हूँ वो टायर। एंड गाइज, वो सेम गोटी का टायर जो मिल चुका है जो कंपनी की तरफ से आता है, तो यही रेमोरा TVS का टायर लगवाने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर्स कोड लिखा हुआ है। अब जब भी टायर वगैरह लें तो ये चीज़ ज़रूरी नोटिस कर लें कि ये कितना में बना हुआ है, और ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, देख लेना चाहिए। एंड यहाँ पे ये खुल चुकी है मेरी बाइक में लगाने के लिए और इसकी प्राइस की बात करूँ तो लगभग 1950 रुपये का समथिंग से है। CE8 का जो टायर दिखाए थे वो CE8 का टायर वो भी इसी के प्राइस में सेम आ जाती है। और आप जब भी टायर वगैरह को लगाएं तो ईयर्स कोड जो होता है उसका आप ज़रूर ही देख लें। वो कोड देख लेने के बाद आपके लिए जो टायर होता है ज़्यादा पुराना नहीं होता है, और न्यू टायर ही लगवाए जो कि हाल फिलहाल में बना हो, तो ये टायर ज़्यादा मंथ पुराना है नहीं। और अभी अपना टायर में इसमें जो रिम है उसमें फिट हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं।
एंड गाइज फाइनली टायर वगैरह डल चुका है मेरे बाइक में और इसकी जो कॉस्ट आई कुल खर्चा 1950 रुपये लगभग में आया। और अभी इसका प्रेशर बनाया जा रहा है, ब्रेक खुल जाने के बाद प्रेशर ख़त्म हो जाता है और प्रेशर बन जाएगा और मैं घर निकलूँगा। और आज का ही वीडियो इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया का जो शॉप का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, अगर किसी प्रकार का डाउट हो जाकर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय बाय।